आज आपने कहा ना जो विशेष करिए तारे को देखिए और उसको उसकी जो कुर्जा है या लाइट है उसको बड़ा होते इसका क्या मतलब क्या? मन केंद्रित करने के लिए जैसे दिखाया कि हम विजुलाइजेशन पावर इससे बढ़ जाती है, उसको इंक्रीज करना फिर डिक्रीज करना। तो जब भी आप विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं किसी भी चीज का तो उसमें ये आपको हेल्प मिलती है, सहयोग मिलता है इसका। तो वो एक इजी स्टेप था, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ये एक इजी स्टेप था। वैसे आर्टिकुलेशन में आगे आगे क्या होगा आपको महसूसता हो कि और भी बड़े बड़े प्रयोग कराए जाएंगे, है ना। सो ये एकदम फर्स्ट स्टेप है कि हम विजुलाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो तारे को हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं उसको, इंक्रीज होते हुए भी डिक्रीज होते हुए भी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है अपना फोकस बढ़ाने के लिए, अपना जो केंद्रीकरण है उसको बढ़ाने के लिए। महसूसता हो रही है, कोई महसूस था, विजुलाइज किया? नहीं, विजुलाइज तो किया, उतना डीप नहीं गए, धीरे धीरे हो रहा। अभी मुझे तो केवल बड़ा होते हुए ही लास्ट में बस वो ही समझ में आया, कुछ से पहले भी सो गए थे, कंफ्यूज थे। हम सोच रहे थे अब क्या स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा, ऐसे सोच रहे थे ना, तो थोड़ा सा ये तो सो गए थे ना इसलिए, क्योंकि हमारा हमारी नजर सब पर रहती है। निद्रा तो आनी नहीं चाहिए, निद्रा नहीं आनी चाहिए। अगर निद्रा आती है तो ध्यान का फिर लाभ कैसे मिलेगा? दो गिलास पानी पीकर बैठा करिए, ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा रहेगा। पानी रहता है, खाना खा के आती बहुत ही लाइट के बाद की भी बहुत ही लाइट फूड लेना चाहिए ध्यान के पहले। कोशिश करें लाइट फूड और उसके बाद जाके खा सकते हैं। ध्यान के बाद नहीं सोना, जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना 3 बजे, फिर बाद में आंखें बंद होने लगती, एकदम से 5 बजे तो आंखें बंद हो जाती, फिर अब मैंने मतलब एक झपकी ले सकते हैं, ये कोई बात थोड़ी है, एक झपकी ले सकते हो। नींद आ रही है तो क्या हुआ, दिन थोड़ी निकले, दिन तो 7 बजे के बाद निकलता। कितने बजे सोते, कितने बजे सोने का? तो वैसे सुबह हम 10 बजे जाते हैं, पर नींद कब आती है पता नहीं, 1 बजे आएगी, 1.5 बजे आएगी, 2 बजे आएगी। यही स्केड्यूल जो होता है ना, सोने का भी ठीक होना चाहिए। अगर जल्दी जगना है तो हमें सोने का भी कुछ ठीक ठाक बनाना पड़ेगा, 9-10 बजे तक हम सोए, अदरवाइज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 बजे सोए और 4 बजे जग जाएं, है ना। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका गलत। सोने का हम बिस्तर में 10 बजे चले जाते हैं। अच्छा ऐसा है, तो सोते समय आप ध्यान का प्रयोग किया करिए, है ना। ध्यान कुछ कुछ समय तक ध्यान सब फिंगर टिप्स को ना प्रेस किया करो, ऐसे ये सारे टिप्स को ना ऐसे ऐसे दबाया, नींद अच्छी आई और जल्दी आई और गहरी आई। जब तक नींद नहीं आती है ना, आप इनको ऐसे करके आप देखिए, अगर आ भी गई नींद तो फिर 1 बजे खुल जाएगी ऐसे, मतलब थोड़ा सा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है। रात में जब ये सोती है ना, रात में हमें हमारे हाथ के नखून और पैर के नखून और तलवे की जरूर मालिश करनी चाहिए, सरसों के तेल से, कड़वे तेल से, है ना, उससे मालिश करके सोएंगे। अच्छा किसी दिन तो आ जाएगी, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं, मतलब किसी दिन, वैसे हफ्ते में मतलब एक दिन तो आ जाएगी। कोई स्ट्रेस रहता है आपको, तनाव? ऐसा तो तनाव से ही नींद, कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ तनाव है आपका, छिपा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वर्क करता रहता है, दिमाग, अदरवाइज तुरंत आपको निद्रा में ले जाए, तुरंत नहीं तो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद नॉर्मली आप सो सकते। अगर सोए नहीं ना, किसी वजह से देर हो जाती तब नींद नहीं आती, अदरवाइज 9:30 बजे तो मेरा डॉट सो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी हो सकता है, छुपा हुआ स्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, कभी कभी हिडन होता है, पता नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर में होता है।
लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम सही हो गई, आपके साथ भी थी ना इस तरह की नहीं ये प्रॉब्लम, हमको तो इससे बहुत फर्क है। एकदम ऐसा भी है कि कभी मतलब 10 बजे 11 बजे तक नींद आ जाएगी, फिर 1 बजे 12 बजे मतलब फिर एक घंटे बाद ऐसे लगेगा। तो जब आपकी नींद खुली रहती है तो क्या सोचते हैं? आजकल बैठते तो नहीं, पर वैसे लेटे में ही मतलब कभी उस पर लगा देते हल्का सा कुछ लगा, कहीं ना कहीं दिमाग तो जाता होगा आपका मन घर की तरफ या घर में जो हो रहा है उसकी तरफ या घर से संबंधित या कहीं और, कोई ऐसे विचार हैं जो कभी कभी बार बार हमारे दिमाग में आते हैं? ऐसा होता है अगर हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता है तो ठीक है, ये नेचुरल है, लेकिन अगर हफ्ते में 5 टाइम्स या 6 टाइम्स हो रहा है, 1-2 दिन केवल नींद आ रही है नॉर्मली अदरवाइज नहीं हो रही, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस है आपका, है ना? तो वो तो बैठ कर बात करके है ना कर सकते हैं, क्या है सबका अपना अपना होता है, उसकी भी कैटेगरीज हैं, फिर हम पूछते हैं कि उसमें भी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिडन होता है और हमको बार बार वो पिंच करता रहता है। चलिए, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, क्या कल क्या डिस्कस किया, बहुत अच्छा, आज याद है आपको, अच्छी बात है, ध्यान में नया नवीनता क्या लाए बताइए, नवीनता क्या लाएंगे, नए विचार और बताइए, और भी जीवन में क्या क्या नया कर सकते हैं, ध्यान में भी लाएं और जीवन में भी लाएं, नई चीजें बनाकर खानी है, नई चीजें, नया संकल्प लाएं और उसके प्रति अपनी ऊर्जा लगाएं। और आज आपका बड़ा अच्छा गाना था, संकल्प जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, जितनी शुद्धता होगी जैसे आरओ का पानी, संकल्प तो कर देते हैं पर वो मतलब जैसे टाइम का भी होगा ना तो वो पूरा नहीं होता, जैसे मानो मैं अब हम देर से जैसे नाश्ता करते हैं तो बोलते हैं तो बेटा तो 9 बजे कर लेता है, मैं कहती हूँ उसी के साथ साथ हम भी कर लेंगे, तो जो 4 दिन हो गया तो 5वां दिन जरूर छूट जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें बहुत हार्ड फास्ट नहीं बनना है, मतलब थोड़ा अभी 9 बजे पर नहीं आए, मतलब 10 बजे तक आ गए हैं, वो तो दिनचर्या की बात हो गई, नहीं थोड़ा सा तो कर रहे हैं, हाँ जबरदस्ती। और बताइए नया क्या करेंगे, नए समोसे बनाइए किसी दिन कचौड़ियाँ, बताइए आप क्या करेंगे, हाँ खुशी होती नहीं होती, घर में समोसे बन रहे हैं आज समोसे, तो क्या सोचते हैं भाई आज कुछ नया खाने को मिलेगा बाहर से, स्वाद में तो जाने से क्या होता है विलासिता आती है मेरा सोचिए, और समोसे कभी कभी पूरी कचौड़ी इनमें ध्यान में खीर इनसे ध्यान हटा देना, लेकिन जिसका जाता है तो क्या करेंगे, अब वैसे बहुत कम उनका भी हटाएंगे, नहीं हटाना चाहिए उसे ज्यादा, ठीक है, लाइफ इज नॉट जस्ट ईटिंग, जिसकी एज देखिए जो अनुभवी हो गए हैं, है ना, लोग ये भी तो कह देते हैं भाई आपकी तो एज हो गई, आपने तो खाई लाइफ टाइम में, आपने तो लाइफ टाइम खाया, अब आप 70-80 के हो गए, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मतलब समोसे मत खाओ कचौड़ी मत खाओ, कहते हैं ना लोग, मतलब कहते हैं हमारी बात कहें तो मैं ही खाने में शौकीन हूँ और बहु बेटे तो मैं नहीं सकता, खाने में जैसे कोई चीज बनानी है खानी है इनको नहीं है, ऐसी चीज बना ले जो ऑयली ना हो, है ना, सैलेड अच्छा सा सैलेड कोई या फिर कुछ मतलब नया कुछ बनाए जिससे आपको लगे, है ना, आज से बना मैं आज ही से कर लूंगी, आज से कर ले आज से कर ले तो कहने का मतलब ये है, संपूर्ण कोशिश यही है कि हमारा मन कहीं ना कहीं क्या हो, खुश हो, नवीनता करेंगे जिससे क्या होगा, चारों तरफ से हमारा मन जो होगा निकला रहेगा, निकल जाएगा फालतू की बातें सोचने के बजाय, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स वेस्ट थिंग्स, है ना, हम क्या सोचेंगे कि हमें कुछ अपना नया करना है, चाहे खाने का हो, किसी दिन खाने पीने का करें, किसी दिन और कोई पीने, तो इसलिए कहा कि नवीनता हमें लाते रहना है, किसी दिन सोचें कि हमें थोड़ा सा घूम के आना है, कोई
अलग जगह है ना, नई जगह हम घूम कर आए, या फिर एक ऐसे पार्क में जो हम बहुत दिन से नहीं गए हैं, है ना, ऐसे पार्क में जाएं, हम थोड़ी देर बैठें, फिर सोचें कि अच्छा इसके पहले हम आया करते थे, तो थोड़ा सा नयापन लाए, भी इस चीजें सोचने से तो अच्छा है, हम नया कुछ करें। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं बताऊं फिर आप हंसेंगे और बोलेंगे आप 70-80 हो रही है इसलिए ऐसा अच्छा लगता है। अपने मंदिर को ना खूब धोऊ साबुन से, गर्म पानी से धोऊ, ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाऊ, उनको अच्छे बहुत से अच्छी बात है ये तो। तो मुझे ना बड़ा उस दिन अंदर से ना बड़ा एक्साइटमेंट रहता, आज मुझे ये करना है। अच्छी वाले दिन मैं सोचती हूँ नहीं आज ठाकुर जी का ना मंदिर साफ करना है, तो आई एम सो एक्साइटेड। आज उनके सारे वस्त्र ना धो धागे करके टांगूंगी, फिर उनको बैठ के आयरन करूंगी, तो आई गेट एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो वो 70-80 इसलिए कहा गया कि हर एज ग्रुप का अपना अपना शौक होता है ना। अभी किसी और से आप कहिए जिसका शौक ना हो तो वो कहेगा कि फिर मैं क्यों करूँ ऐसा, है ना। तो अपने अपने लेवल की नवीनता भी देखनी पड़ेगी। अब हर व्यक्ति से अगर हम कह दें कि आप जाइए पार्क घूमिए जाके, वो कहेगा क्या वेस्ट चीजें हैं। अब हो सकता है कि उसको अपने मोबाइल पर एक अच्छी मूवी देखना अच्छा लगता हो, नवीनता। तो हर कैटेगरी के व्यक्ति को इसलिए उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से सोचें कि क्या हम नवीन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो गया, नवीनता तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया। अब आप एकदम स्वतंत्र मन से सोचिए कि हमें हो सकता है एक अच्छा सॉन्ग आज हम रिकॉर्ड करें अपने अपने मोबाइल में, है ना, टिकटॉक पर डालें, या फिर हम खुद सुने उसको बार बार, तो ये भी नवीनता हो सकती है। तो नवीनता माना ही अपनी एनर्जी को एकदम, है ना, एक फ्रेश, रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश कर दें, एक अंदर से एक ऐसी ऊर्जा निकाल के लाएं कि शायद वो कहीं बच्ची भी हुई पड़ी हुई थी, दबी हुई पड़ी थी, वो नवीनता से हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग गांठ बांध कर रखें कि नया कार्य करने के लिए सोचते रहें, है ना। केवल खाना बनाना ही नहीं नवीनता में आता है, और भी चीजें, जैसे एक दिन हो गया ना खाना बनाने के लिए, एक दिन कुछ नया नया बना ले, फिर एक दिन कोई अच्छा संकल्प कर लें, एक दिन अच्छी सी डायरी लिख लें, एक दिन ठाकुर जी को सजा लें जैसे कि कहा, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वर्क। सजाने के बाद कितना तसल्ली होती है, कितनी खुशी होती है, खुशी होती है। फूल से सजाए तो, और मतलब कि उसमें भी देखो अपना अपना शौक है, ये अपने अपना आर्ट है कि दो येलो लगाए बीच में रेड लगाए तो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। हाँ। जैसे कोई होता है ना कोई भी लगा दिया उसको ना सीक्वेंस में करने में शौक होता है, सही बात। सो यू गेट डिफरेंट फीलिंग एंड देन जब उनको फिर देखो तो और खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ सही कहा, मुस्कुरा रहे हैं हाँ, मतलब खुशी होती है ना, कहीं कहीं हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो यही होता है। आज का टॉपिक है विधि से सिद्धि की ओर, विधि से सिद्धि कैसे हासिल करेंगे, विधि से सिद्धि। पहले बताइए विधि क्या है, तरीका काम करने का, तरीका मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शुड बी वेरी सिस्टमेटिक। एक जो पैटर्न है जिसको पैटर्न भी बोल सकते हैं, एक पद्धति भी बोल सकते हैं, जिसको हम कार्य करने की शैली जिसको कहते हैं पद्धति बोलते हैं। तो विधि, और विधि से सिद्धि कहने का भावार्थ क्या है बताइए, आप बताइए विधि से सिद्धि मतलब क्या हुआ, सिद्धि मतलब क्या होता है, सफलता को तरीके से करते हैं तो हमें उसमें सफलता ही मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता हर व्यक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें असिद्धि मिले, कभी सुना है आपने विधि से असिद्धि, सब हर व्यक्ति एवरीवन यानी वो जरूर चाहेगा भले हम विधि ना यूज करें लेकिन हमें सिद्धि जरूर मिल जानी चाहिए। हर कार्य करने से पहले ये हम सोचते हैं कि इस कार्य को कैसे अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, नॉर्मली अच्छे से अच्छा कोई चीज बनाना होगा या कुछ भी करना होगा तो हम उसके स्पेशलिस्ट से, है ना, जिन्होंने पहले किया होगा हम उनके घर जाके पूछते हैं नॉक करके कि भाई आपने ऐसा किया था बहुत अच्छा लगा था, आपने कैसे किया था ये सारी चीजें,
या तो खाना बनाने में या फिर डेकोरेशन में या फिर अदर वर्क में जो है। क्योंकि जब तक हमें किसी कार्य को करने की विधि पता नहीं होती है तब तक हम उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। स्टार्टिंग में ही आप टाइम वेस्ट कर देंगे, है ना, जो कार्य 5 मिनट में हो जाएगा अगर हमें पता होता है, होता है ना, होता है, बताइए। उसका एग्जांपल एक बार मैंने दिया था, अगर हलवा आपको बनाना है ना, अब आपको पता नहीं कि पहले सूजी डालनी है या फिर ऑयल डालना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो सकता है कि जल जाए वो, है ना। लेकिन अगर आपको विधि पता है ना, आप बताइए हलवा कैसे बनता है, आपने तो बनाया होगा कई बार, हलवा कैसे बनाते हैं? हलवा तो सबसे सरल होता है, सबसे सरल होता है। क्यों सरल है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपने अभ्यास कर रखा है। बताइए कैसे बनाएंगे? जब जो चीज नहीं पता होती है तो वही चीज बहुत कठिन लगती है फिर। हाँ जी, जो चीज नहीं पता होती है वो चीज कठिन लगती है। तो कहा कि क्योंकि जब तक हमें किसी कार्य को करने की विधि पता नहीं होती है तब तक उस कार्य को करने में हम असमर्थ होते हैं। असमर्थता कार्य प्रारंभ करने में बाधक भी बन जाती है, बाधक बन जाती है ना। इवन स्टार्ट में आप सोचेंगे अच्छा चलो ये दूसरा व्यक्ति कर लेगा तो अच्छा रहेगा, वैसे सोचते हैं ना दूसरा व्यक्ति का। हर कार्य को प्रारंभ करने से हिचकिचाने लगते हैं, थोड़ा हेजिटेशन फील होता है, कैसे करेंगे बताइए, स्माइल कर रहे हैं आप। अब बहुत चीजें में होने लगा है, जैसे ना पहले मैं पैकिंग वैकिंग बहुत अच्छी कर लेती थी, अब बच्चे करने लगे ना तो मैं उससे थोड़ा दूर हट गई ना, तो अब मेरी कोई कहीं बैगिंग होना तो मेरी शानी बेटा ये बैग कर देगा। और जब खुद करती हूँ ना, टेप ठीक से नहीं कटता है, ठीक से लगता नहीं है, हाथ हिल जाता है, तो मुझे बहुत उलझन होती है, तो मैं शानी को बोलती हूँ शानी बेटा ये पैक कर दीजिए, ये होता है। हाँ, होता है। और एक समय तो खुद करते थे, एक समय खुद करते हैं। हाँ, और अब क्योंकि मिल गया है एक सहारा तो कर देगा, तो एकदम डाल तो कहा हम हर हम कार्य को प्रारंभ करने से हिचकिचाने लगते हैं, जिसका प्रमुख कारण है विधि से अनजान। इसलिए विधि का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। जब विधि पता हो जाती है तब हमारा कार्य करने में विश्वास भी बढ़ जाता है। विश्वास बढ़ता है नहीं बढ़ता है? कार्य करने में विश्वास बढ़ जाता है। हम सहज रूप से कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम क्या कहते हैं, लाओ अभी मैं करके दिखाता हूँ, है ना, या दिखाती हूँ, कहते हैं ना लोग, ये तो 2 मिनट का खेल है, कहते नहीं, when you have the knowledge of how to do the work, है ना, that kind of practice makes you perfect. Practice, और उसी के अंदर क्वालिटी लाने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। काम को कैसे करें ये वो तो आ गया आपको, लेकिन उसमें क्वालिटी कैसे लाए उसके लिए क्या जरूरत है, अभ्यास। तो हम सहज रूप से कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रकार कार्य में सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं रहता है। मुश्किल रहता है फिर कार्य में सिद्धि प्राप्त करना, इसलिए कहा जाता है विधि से सिद्धि की प्राप्ति। ध्यान में विधि को स्थान दें और ध्यान से प्राप्ति हासिल करें। अब देखिए इसको ध्यान से लिंक कर दिया गया। ध्यान तो बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी संसार में ध्यान कई तरीके से लोग करते हैं, लेकिन ध्यान में भी क्या है, एक क्वालिटी होती है कि उससे आपको एनर्जी मिली या नहीं मिली, है ना। तो वो धीरे धीरे अभ्यास से हम ला सकते हैं और एक सही डायरेक्शन, पता चले ध्यान सीखने गए और उन्होंने सीखा कुछ और दिया, है ना, तो ध्यान लगेगा। एक बार शायद स्पीच थी कि हम मंत्र उच्चारण में ही सारा समय टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या हुआ, जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो क्या हो गई, एनर्जी हमने सारी ऊर्जा किस में लगा दी, मंत्रोच्चारण करने में। ध्यान में विधि को स्थान दें और ध्यान से प्राप्ति हासिल करें, यही है सहज ध्यान से जीवन में विभिन्न कलाएं सीखने की सिद्धि हासिल करना, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति, कई कलाएं आ जाएंगी फिर उसके बाद जब हम ध्यान को अपने जीवन में।
पर अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि ओम चैंटिंग से बहुत सी बीमारियां भी खत्म होती है। ये भी तो मंत्र ही है ओम। ओम की चैंटिंग की जाए लेकिन कुछ समय तक, बहुत अगर हम उसमें लिखा है इतने मिनट अगर आप करें, इतने मिनट करें और इतने मिनट करें, तो तीनों में क्या क्या फर्क आता है? साइंटिफिकली उन लोग ने प्रूव करके, साइंटिफिकली कैसे कह सकते हैं, मतलब किन्होंने किया है ये डिपेंड करता है। हाँ, उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने लोगों से करा, किस मैं आपको भेजूंगी लिंक। हाँ, क्योंकि कौन से डॉक्टर्स ने किया है, क्या डिग्री है उनके पास, या फिर कितने टाइम के लिए और किन लोगों ने किया है, ये डिपेंड करता है। ओम का कितनी देर तक करना चाहिए? हाँ, ओम का जैसे कि यहाँ हम कराते हैं, स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट्स कर सकते हैं, उसके बाद आप ध्यान की ओर बढ़िए, फिर चैंटिंग नहीं करनी है आपको, एकदम ध्यान की ओर बढ़िए, फिर ध्यान से आपको पता चलेगा कितने प्रकार की बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। तो जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं 15-20 मिनट लगते हैं, एक स्टेज के बाद अगर आप ओम चैंट भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे, तो गूंज रहे हैं ओम। वही चीज तो कराते हैं यहाँ पर, वही गूंजता है ओम यहाँ, यही चीज कराते हैं, इसलिए चैंटिंग भी नहीं कराते हैं यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट स्टेज ही एडवांस लेवल की है, एडवांस लेवल इन द सेंस कि इसके पहले ओम की ध्वनि लोगों ने कर रखी है, अब वो स्पीकर में आवाज आती है ओम की ध्वनि, तब आपको महसूस तक करनी है। कमेंट्री भी हम करते हैं कि आपके मन से ओम की ध्वनि निकल रही है, ये आपको महसूस तक करनी, ये एडवांस लेवल का है। और हाँ, आपको वो चीज महसूस करना है, रियलाइज करना है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया। जो लोग ओम की ध्वनि ऐसे ऐसे कहते हैं कि बोले हम, है ना, उसको प्रोनाउंस करें, फिर एनर्जी महसूस करें, सुनने भी। तो कहने का मतलब जब मन से इसका अभ्यास करेंगे कि, क्योंकि जो मन है वो और डीप में हो जाता है, मन और सूक्ष्म विज्ञान है, मन ऊपर का विज्ञान नहीं है, मन और ही सूक्ष्म विज्ञान है। तो यहाँ फर्स्ट लेवल जो है वो एडवांस लेवल का ही है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, लोगों को लगता अच्छा चलो स्पीकर बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। सूक्ष्म विज्ञान ये है कि हम सीधा मन की ओर हिट करते हैं कि वो ये चैंटिंग करे, हमारा मुख नहीं करे, हमारा मन करे, क्योंकि ठीक किसको करने आए हैं हम, मन को, विचारों को, क्योंकि शरीर से बोले थे अगर हम बोलते रहेंगे तो यहीं तक रह जाएंगे, मन तक जाना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये अभ्यास करना है जिससे ऊर्जा भी बच जाती है हमारी बहुत।